हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स इजी वे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 6 और 7, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और पॉलिनोमियल्स। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अभी ही आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भूले ना बाद में। और स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आज हम जो फॉर्म देख रहे हैं इक्वेशन का, वो होगा एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के। इस फॉर्म में हम जो इक्वेशंस होती है उसको सॉल्व करना सीखेंगे आज, जहां ए बी सी डी एक नंबर है, ए बी सी डी आर नंबर्स, एंड सी एक्स प्लस डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी एक्स प्लस डी की जो वैल्यू वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और के एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इसे एक डायरेक्टली मैं एक सम लेती हूँ और एक सम सॉल्व करके दिखाऊंगी। और इसके लिए जो मैं मेथड यूज करने वाली हूँ, एक सिंपल मेथड जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक सम हम लेते हैं 5x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 12/7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS है, उसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से करते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई हम ये पूरे के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2, और 12 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे के साथ करेंगे, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 5 35x प्लस 7 2 14 इक्वल टू 12 2 24x प्लस 12 3 36। अब हम x की वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, यहाँ पे है 35x, ये 24x है, यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर करेंगे इक्वल के ये साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस 24x इक्वल टू यहाँ पे 36 है, और ये 14 एक वैल्यू है, इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14। साइन चेंज हो जाता है ट्रांसफर करने पर, तो 35x में से हम माइनस करेंगे 24x, तो आ जाएगा 11x, और 36 में से हम माइनस करेंगे 14 को, तो यहाँ आ जाएगा 22। तो जो x की वैल्यू है 22, 11 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ, तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 1 11, 11 2 22, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली। अब जो x की वैल्यू हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो सही है या नहीं, तो चेक करने के लिए हम जो वैल्यू है x इक्वल टू 2, इसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट करेंगे LHS में। तो LHS आपका है 5x प्लस 2 और 2x प्लस 3, यहां पर हम x की वैल्यू को रखेंगे, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 2 और 2x, मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 2 10 प्लस 2 और 2 2 4 प्लस 3, यानी 10 प्लस 2 12 प्लस 4 प्लस 3 7। तो यहां पर देखिए 12/7 ये राइट हैंड साइड था, और x की वैल्यू जो हमने पुट की इसमें, तो इसका जो वैल्यू आया है वो भी 12/7 आया है, इसकी वैल्यू आई है 12/7, और इसके जो राइट साइड में था उसकी वैल्यू भी यहां पर 12/7 है। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरह से हम चेक करेंगे एंड में, तो हैंस द सॉल्यूशन इज करेक्ट, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है 2, जो सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है, और इस चैप्टर में ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिंपली इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और जो भी एक्सप्रेशन दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में, जो जिसमें भी वैल्यू एक्स है
उसमें वो सिंपल वो वैल्यू पुट करना है और चेक करना है कि LH और RHS इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल आ रहा है तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, करेक्ट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।